सुबह से मैंने शुरू नहीं किया है, अभी हो रहे दोपहर और दोपहर से मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और अभी जो है हम जा रहे हैं, मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ लेकिन बाकी सब जा रहे हैं खाने के लिए पंडित जी के ठीक है। और हम खाएंगे, मतलब मैं नहीं खाऊंगा बाकी सब खाएंगे। क्या? दही भल्ले। गाइस दही भल्ले नहीं, हम और भी चीज़ें खाएंगे, ये सिर्फ व्लॉग के लिए नहीं हो रहा है, ये हम जेन्युइनली भी जा रहे थे। मैंने सोचा चलो कर ही लेते हैं शूट, तो कर लिया, कल रहे हैं। मम्मी का वेट हो रहा है, पापा पीछे गाड़ी सही कर रहे हैं। पूरी तैयार हूँ मैं, एकदम सन केस्ट लुक लग रहा है ना मेरा, पर सब कुछ मैंने ऊपर से लेके नीचे सब कुछ सही पहना है। बस ये देखो इधर है नियॉन जूते। हाँ क्या, अभी हम कर रहे हैं भैया का वेट और लास्ट मिनट ही डिसाइड हुआ है कि वो भी जा रहा है, तो अभी वो तैयार होके आ रहा है, जीन वीन पहन के आ रहा है। मैं यहाँ पहली बार आ रही हूँ, असली वाला कौन सा है? गाइस देखो ये वही अंकल है जो हमने टीवी पे देखे थे बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स की वीडियो के अंदर। नाउ आई एम शूटिंग। मैं तो दही बड़ा, मैं चिल्ला लूँ। कैसे शांति से खाया जा रही हूँ ना बैठी बैठी। आओ ना खाओ ना, ये नहीं कि मेरे से पूछ लो। आओ अंदर। अभी मैं आ गई हूँ पंडित जी के, जहाँ मैंने आपको बताया था कि हम जा रहे हैं आज खाने के लिए स्पेशली। तो पीछे जो आप देख रहे हैं वो है स्टॉल पंडित जी का। अभी हमने दही बड़ा ट्राई कर लिया है, वो आप भैया के ब्लॉग में देखोगे जो वो डालेगा। और अब मैं चीला ट्राई करने वाली हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे है ये रहा चीला हमारे पास, ये है हमारे पास FM चटनी जो कि उनकी तीखी चटनी है, और ये हरी चटनी जिसके अंदर पुदीना धनिया और ये सारी चीज़ें। ये है क्या है मम्मी, ये है छोले की चटनी, और ये है मीठी चटनी, और ये है हमारा चीला। ये बोलते हैं कि अगर एक चीला खा लिया तो उससे पेट भर जाएगा, तो और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो मैं देखती हूँ कि ये सही में होगा या नहीं। और हाँ एक और चीज़, यहाँ पे स्पेशली दही भी दिया गया है, और एक और दही दिया गया है जिसमें इन्होंने ना सारी जो ये चटनियाँ यहाँ पे दी हैं वो सारी मिक्स कर दी हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री इन्होंने प्याज दी है। इसको ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कैसा है। इसकी फिलिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरी फिलिंग अंदर अच्छे से कर रखी है। प्याज है, पनीर भी दिख रहा है मेरे को इधर, मिर्ची भी है, मिर्ची के भी बहुत सारे बड़े चंक्स हैं। तो अब इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं ट्राई करना चाहूँगी हरी चटनी के साथ। सीरियसली बहुत अच्छा है, जितनी इसकी हाइप थी ना वो हाइप पूरी सही है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। पीछे देखो, इस पीछे देखो, भैया पूरा लगा हुआ है उसे पूछने में, दिख रहा है कैमरे में, दिख रहा है वो पूरा इंटरव्यू लेने में मस्त हो रहा है अपने, और मैं यहाँ अपना चीला एंजॉय करने में मस्त हो रही हूँ। आप ट्राई करो क्या। मेरे मुँह से पता चल जाता टेस्टी चीज़। ट्राई किया मैंने सब कुछ, मुझे चीला भी बहुत अच्छा लगा, मुझे दही बड़े भी बहुत अच्छे लगे, और जो FM चटनी थी ना मेरे को सही में उसमें ऐसा लगा कि वो तीखा तो मतलब मैं झेल सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत तीखा खाती हूँ वैसे नॉर्मली भी, तो मुझे इतना तीखा लगा नहीं। बाय द वे बहुत ज़्यादा टेस्टी था, द हाइप जो बना के थे ना यहाँ की वो एकदम ऑन पॉइंट। अभी 3 बज रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, मतलब लोग बहुत सारे आते हैं यहाँ पर। ऐसे बोलते हैं चटनी बहुत ज़्यादा तीखी है, मेरे को तो बिल्कुल तीखी नहीं लगी। मम्मी अपने घर में इससे ज़्यादा तीखी बन जाती है? मैं इससे ज़्यादा तीखी बनाती हूँ लिटरली, मोमोज की चटनी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, है ना मम्मी। एक बार अगर आपने रारा मोमोज की चटनी नहीं खाई ना तो चटनी खा के देखो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि पाइल्स क्या होते हैं।
गाइस वापस घर पे आए हैं, अभी वापस जाएंगे, भैया को ड्रॉप करने आए हैं। भैया का कोई पार्सल आएगा घर पे तो उसको वो लेना है। अब बोल सकते हैं तो हम खा रहे हैं मीठा, मीठे में है रसमलाई। ये रसमलाई है मोनू मामा की वेडिंग एनिवर्सरी की खुशी में। तो चलिए ये सबको दे देते हैं। लो मम्मी सारे ले जाऊंगी। टेस्टी है, इतना मीठा नहीं है ये, बहुत टेस्टी है। इसका
कमरे में बहुत ज्यादा मच्छर हो रहे हैं। डेंगू के नहीं होंगे क्योंकि डेंगू के रात को नहीं आते। दो तीन आदमी तो पकड़ने में लग गया। सो गाइस अब हम खाना खाने जा रहे हैं। रील हमारी वायरल हो रही थी, मुझे अच्छा लगा कि आप सबने मेरी रील को इतना प्यार दिया। अब हम जा रहे हैं खाना खाने। यस मामी, खाने में क्या है? पनीर की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी और रोटी। रोटी वहाँ पे मामा खा रहे हैं। मामा कैसा है खाना? ओ ओ खाना खा ले पहले। चले पापा, बाय नानी, बाय तुषार भैया। ठीक है, बाय। बाय बाय। तो कैसे हैं आप लोग? अरे अरे आ जाओ। अब हम जा रहे हैं और ये हमको छोड़ने जा रहा है गाड़ी तक। वो भी तो आई है माँ। माँ भी है पीछे। वो लैला है, देखिए लैला के बच्चे हुए हैं अभी, बहुत ताजे ताजे हष्ट पुष्ट बच्चे हुए हैं इसके अभी। क्यों भाई लैला? नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन? नॉर्मल, आई थिंक नॉर्मल। मेरा चार्जर रह गया है नानी के, वापस लेने जा रहे हैं। थैंक यू, बाय। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस किसी नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब इसको ट्राई करती हूँ मैं। चड़ंग चड़ंग चड़ंग। मिर्ची है। अब मेरे कानों से धुआं निकल रहा है गाइस। ये ठंडा ठंडा दही ले लेती हूँ गाइस मैं। कितनी गंदी लग रही है। I mean,